आज जिला पठानकोट में स्थित जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स मलिकपुर में अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों की भलाई के लिए बनाई गई पंजाब विधानसभा सचिवालय की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग के दौरान सभापति श्री नत्थू राम जी की तरफ से जिला पठानकोट में अलग अलग सरकारी विभागों की तरफ से अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों के लिए चलाई जा रही जन भलाई स्कीमों का जायजा लिया गया। जिला पठानकोट पहुंची और आज की मीटिंग दौरान SC और BC समाज नाल संबंधित सारिया स्कीम्स भावें बच्चों के स्कॉलरशिप नाल संबंधित हो अवेयरनेस कैंप लाने नाल संबंधित हो चाहे जिहड़े SC बच्चों ने पढ़ाई वास्ते फंड लेना होवे उहदे लई पैसे की जरूरत होवे वो बैंकों तो जो लोन की शक्ल वो सारिया स्कीमों बड़े वीरवे सहित डिस्कस किया गया और कई स्कीम बारे जी कि कमियां पेशियां रही हैं और DC साहब ने भी अपना नोट लिया और आने वाले समय से दूर करने जिते कमेटी ने सिफारिश की है उत्थे DC साहब ने और सारे प्रशासन ने सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहबान ने यह वचन दिता है भी आने वाले समय कोई त्रुटि कमी पेशी नहीं रहने दिती जाएगी और उन्होंने दूर करने की कोशिश करांगे और मैं अपने वालों और सारे कमेटी मैंबर साहबान ने भी सारे ऑफिसर साहबान नूं इस गल लई ताकीद भी की है और उन्होंने बेनती भी की है भी इस पासे पूरा ध्यान दिता जाए ता कि जो समाज का पछड़िया वर्ग है ये कुछ कुछ ना कुछ अवेयरनैस पैदा हो के ये बच्चों वास्ते इन्होंने बच्चों की भलाई वास्ते कुछ सरकार दियां नीतियां इंप्लीमेंट किया जा सके और मैं विशेष तौर पर धन्यवादी हाँ DC साहब का SSP साहब का जिन्होंने अज इस मीटिंग बड़ी राखदली कमेटी का साथ भी दिता है और आने वाले समय जिले जमियां पेशियां रही हैं उन्होंने दूर करने का भरोसा दिता है। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट, सिटी न्यूज़।